ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि पूर्णमासी तिथि के दिन आपको कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, मतलब शुभ काम और अशुभ काम। देखिए ज्योतिष में ये बताया गया है कि कब कब कौन सी तिथि को क्या वर्जित है और आपको क्या करना चाहिए, और यदि आप मानते हैं तो आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में तिथियों के आधार पर मुहूर्त निकाले जाते हैं और उनके ही अनुसार विभिन्न धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इसी कारण ज्योतिष में तिथियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी कार्यों का मुहूर्त तिथियों के अनुसार बांटा गया है। तो उसी से जो पूर्णिमा तिथि है हम उसका बताने जा रहे हैं। पूर्णिमासी जिसे पूर्णिमा कहते हैं, तो इस तिथि में शिल्प आभूषणों से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। संग्राम, विवाह, यज्ञ, जलाशय निर्माण, यात्रा, शांति, पोषण करने वाले सभी मंगल कार्य किए जा सकते हैं। अमावस्या में इस तिथि में पितृकर्म मुख्य रूप से किए जाते हैं। अभी महादान तथा उग्र कर्म किए जा सकते हैं। इसमें जो एक काम वर्जित है वो मैं आपको बताता हूं, स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। स्त्री संग जो है वो पूर्णिमा में भी वर्जित है और अमावस्या में भी वर्जित है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।